जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्धमेश्वर तंत्र की यात्रा में हम लोगों ने 17 यक्षिणियों की साधना की। आज जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लक्ष्मी यक्षिणी की साधना मैं आप लोगों को बताऊंगा। लक्ष्मी यक्षिणी और लक्ष्मी देवी में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों अलग एंटिटीज है, दोनों अलग एनर्जी फॉर्म्स है। लक्ष्मी यक्षिणी के साधना से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि लक्ष्मी यक्षिणी की अगर आप साधना करेंगे तो आप धनाढ्य बनेंगे, लेकिन सिर्फ धनाढ्य बनना ही इस साधना का लक्ष्य नहीं होता है। इस साधना से आपको बहुत तरह के और शक्तियाँ, जैसे एल्केमी की विद्या एक और यक्षिणी देती है, लक्ष्मी यक्षिणी भी देती है, बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें आपको मिलेंगी। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई साधना कर रही है तो उस एंटिटी से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग हमेशा खोल कर रखिए, मतलब कि आपको, आपने जब भी अपने हायर या लोअर एंटिटी को सिद्ध किया तो उनसे जो वचन लेना है, जो कार्य लेना है वो ले करके एक काम हमेशा करें कि उससे आप ज्ञान लें कि आगे क्या करना चाहिए, पीछे क्या है, है ना, क्या कर्म का चक्र है, ये सब जानकारियाँ आपको लेना चाहिए। तो लक्ष्मी यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो ये देने में सक्षम है, मतलब नॉलेज आउटसाइड योर डायमेंशन। और लक्ष्मी यक्षिणी की साधना हम लोग बिल्कुल करते हैं अपने कर्ज को मिटाने के लिए, धन लाभ के लिए। लेकिन एक हिदायत यहाँ मैं देना चाहूँगा कि जो लक्ष्मी यक्षिणी की साधना होती है वो और यक्षिणियों की साधना से बहुत अलग है। कैसे अलग है? लक्ष्मी यक्षिणी की साधना पूर्ण रूपेण सात्विक ढंग से करनी पड़ती है, ठीक। दूसरा, इस साधना को उस स्थान पर करते हैं जहां आप रहते हैं, यानी कि आपके घर पे, जिस जगह पर आपको धन का आवागमन करना है, जहां पर आपको धन की कमी नहीं होनी देनी है, उस स्थान पर आप इस पूजा को करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप इसको घर के उस कोने में करेंगे जहां पर कोई आए जाए नहीं। उस कमरे को, एक कमरे को आप बंद कर लेंगे एक महीने के लिए और उसमें नया वाइट वॉश करा करके अच्छा से उसको साफ सुथरा करके रखेंगे, उस कमरे का शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद सैंडलवुड जला करके उसके चारों कोनों में घुमाएंगे कि अगर कोई भी एनर्जी हो तो उस एनर्जी से आपको दूर रहना है। साधक इसको और आसानी से कर सकते हैं, इसमें अगर आप मौन व्रत धारण करें, ठीक है, और दूसरा अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति नेगेटिव हो उससे आपको दूर रहना। तीसरा, इस साधना में आप कभी भी रसबाला स्त्री के आसपास नहीं रहेंगे, भोजन खुद बना करके अगर खाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। रोज आप जब साधना पूरी कर लेंगे उसके बाद या उसके अहले सुबह, मतलब ये साधना तो सुबह ही होती है, तो आप जैसे साधना पूर्ण करेंगे उसके बाद उस कमरे को रोज़ धोएंगे धूप और चंदन के पाउडर के साथ। इतना नियम है इस साधना को करने में। अब आते हैं कि इस साधना में चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको एक अष्ट धातु की मूर्ति बनानी पड़ेगी लक्ष्मी यक्षिणी की। तो लक्ष्मी यक्षिणी का जो वर्णन मिलता है उसके हिसाब से लक्ष्मी यक्षिणी 18 से 19 साल की हैं और जैसा भारतीय रंग होता है वैसा है, लेकिन उससे कोई अंतर पड़ता नहीं क्योंकि हम मेटल में बना रहे हैं। उनकी आंखें हिरनी की तरह हैं और दोनों हाथ में एक एक कमल का फूल धारण करती हैं। देखो, लक्ष्मी यक्षिणी अगर खुश हो जाती है ना तो बहुत सारा आपको धन देती है, ठीक है, और अगर वो आपसे नाराज हुई तो वो आपको दरिद्र बना के छोड़ेगी। इसीलिए इस साधना को करने से पहले बिल्कुल ही ठान लीजिएगा कि आप 31 दिनों तक जितनी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं वो आप कर पाओ। तो इस तरीके की एक मूर्ति आप अष्ट धातु की बनवा लेंगे, ठीक है। इसका जो रूप है वो वही होगा जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि शक्तियों का रूप नहीं होता, वो वही रूप लेते हैं जिस रूप में हम उनको देखना चाहते हैं। एक बार ये मूर्ति आपके पास बनकर आ जाए, ठीक है, तो इनका एक एक पहर अनाज में वास होगा। अनाज में वास का मतलब था मूर्ति को अनाज से ढक देना। जल में इनका वास होगा,
पुष्प में इनका वास कराएंगे, चंदन पाउडर में इनका वास कराएंगे, ठीक है, और अंत में इनको गंगा जल से अच्छे से स्वच्छ करके इनको केसर और कस्तूरी मिला करके तिलक लगाएंगे, ठीक है। जब आप इनकी साधना शुरू करेंगे तो आपको आसन कूस का लेना है और कपड़ा पीला पहनना है, जिसको पीताम्बरी कहते हैं, सिल्क का पीताम्बरी आता है, उसको पहन के आपको पूजा करना है। लक्ष्मी यक्षिणी की साधना भाद्रपद्र नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद्र नक्षत्र में होगी, ठीक है। इनकी साधना, बाकी जितनी भी यक्षिणियों की साधना थी वो रात में होती है, लेकिन इनकी साधना सुबह 4 बजे शुरू होगी। और इस चीज़ का जब आप साधना करने बैठिएगा तो सबसे पहले धूप और चंदन पाउडर जला करके उस रूम को चारों तरफ, उस रूम के चारों तरफ घूम जाइएगा, ताकि अगर कोई भी अनवांटेड एनर्जी हो वो वहाँ से निकल जाए। एक विषय और, इसमें जो जाप होगा वो तुलसी माला से जाप होता है, रुद्राक्ष, स्फटिक या कमलगट्टे की माला का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है। मंत्र सुनिए, मंत्र है, 3 बार बोलूंगा, आप लोग नोट कर लें। ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी कमल धारिणी हम सह सोहम स्वाहा। ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी कमल धारिणी हम सह सोहम स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी कमल धारिणी हम सह सोहम स्वाहा। 31 दिन रोज रात आप इस मंत्र का 1000 जाप करेंगे। जिस दिन आपकी साधना पूर्ण होगी और लक्ष्मी यक्षिणी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी तो वो आपको दर्शन देंगी। लक्ष्मी यक्षिणी का प्रभाव और लक्ष्मियों से ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले लक्ष्मी यक्षिणी कभी भी अकेले नहीं आती हैं, वो पूरा लव लश्कर लेके आती है, जैसे कि एक राजकुमारी आती है। तो लक्ष्मी यक्षिणी का जब भी आपके आसपास प्रभाव होगा तो वो आपको जो जो पूरा जो ऑरा होता है उस कमरे का वो बदल जाता है। कभी प्रत्यक्ष लक्ष्मी यक्षिणी आपके सामने इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि उनकी शक्ति आज तक कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया है, इसीलिए लक्ष्मी यक्षिणी अपने आने का आपको स्वप्न देंगी और स्वप्न में आप समझ लीजिएगा कि आपकी साधना पूर्ण हो गई है। एक बार आपकी साधना पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको धन धान्य के लिए कभी नहीं देखना पड़ेगा। जो भी लोग सक्षम है इस 31 दिन की साधना करने में, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस यक्षिणी की साधना करें और इनको मातृ रूप में अपने घर में स्थापित करें। आज के लिए इतना ही। जिनको भूत प्रेतों के बारे में रिसर्च करना है, जानना है, वो मेरी किताब अ हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से पूरे विश्व में खरीद सकता है। इसके अलावा शिवपुरी साधना शिविर फिर होने वाला है, 31 तारीख को, डेट बदला है, अब 22 अगस्त को नहीं हो रहा है, तो जो एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साधना का बेसिक विषय सीखने के लिए मेरे बेसिक साधना ग्रुप 9431188585 से जुड़े, एक पेड ग्रुप है। इसके अलावा और भी ग्रुप शुरू हुए हैं, जैसे कि नवरात्र साधना ग्रुप, माँ तारा साधना ग्रुप, और ध्यान के लिए मैं एक ग्रुप शुरू कर रहा हूँ। जिनको जिनको जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantra.xyz पर जाएंगे और वहाँ पर अपॉइंटमेंट सेक्शन है, वहाँ जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल दिखेगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ लक्ष्मी यक्षिणी आप लोगों पर कृपा बरसाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग।